हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जेनाट डायोड के बारे में। तो जेनाट डायोड, ये जेनाट डायोड ऐसे दिखता है, ऐसे भी दिख सकता है जेनाट डायोड। इसका नंबर से पता चलता है कैसा दिखता है। तो इसका सिंबल ये है। जेनाट डायोड का काम क्या है? जेनाट डायोड का काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना। वोल्टेज को रेगुलेट करना जेनाट डायोड का काम है। तो कैसे काम करता है? तो जेनाट डायोड एक प्रकार से डायोड ही है। इसका सिंबल डायोड की तरह ही दिखता है, बस यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर डायोड में एक लाइन होगा, बस यहाँ पर देखो जेनाट डायोड की सिंबल में एक कर्व है। ये नॉर्मल डायोड से डिफरेंस है। अब देखते हैं जेनाट डायोड काम कैसे करता है। पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस में जेनाट डायोड काम कैसे करता है। फॉरवर्ड बायस में जेनाट डायोड, ये देखो जेनाट डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में, प्लस ये माइनस, यदि यह है लोड। तो फॉरवर्ड बायस में जेनाट डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। ओके, इसका एम्पियर ड्रॉ इसका रेटिंग के अनुसार होता है। तो फॉरवर्ड बायस में जेनाट डायोड में कोई ऐसा काम नहीं होता कि ये नॉर्मल डायोड से अलग दिखे। ओके, जैसा इधर से जाने देगा इधर से नहीं जाने देगा, एक लिमिट वोल्टेज तक ही इधर से नहीं जाने देगा। ओके, वो रिवर्स बायस में हम देखेंगे तो कैसे होता है ये। तो अब रिवर्स बायस में देखते हैं कि जेनाट डायोड काम कैसे करता है। रिवर्स बायस में ज़्यादा कुछ नहीं, प्लस ये होगा माइनस ये होगा। तो प्लस की तरफ से ये कैथोड और माइनस की तरफ एनोड लगा हुआ होगा, तो इधर से इधर करंट नहीं फ्लो होगा एक वोल्टेज तक। अगर ये जेनाट डायोड 5 वोल्ट तक है तो ये 0 से 5 तक इधर से आएगा। जब ही 5 से अप जाएगा तब ये रिवर्स बायस में भी करंट को कंडक्ट करने शुरू कर देगा। ये जेनाट डायोड का काम है, ये दोनों के अंदर, अगर ये जेनाट डायोड जिस वोल्ट में, अगर ये 5 वोल्ट में है तो इस दोनों के अंदर 5 वोल्ट कांस्टेंट रखना। अगर 5 वोल्ट से अंदर आग ऊपर जाता है तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा और 5 वोल्ट के नीचे ले आएगा या फिर 5 वोल्ट में ले आएगा। ओके, तो इधर जो भी हो, अगर वोल्टेज 0 से 10 वोल्ट तक है तो ये 5 वोल्ट के ऊपर नहीं जाने देगा। अगर ये जेनाट डायोड रिवर्स में कनेक्टेड है तो ये फ्यूज़ किस लिए है? अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा है और ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करना पड़ा 5 वोल्ट से कम करने के लिए, तो ये फ्यूज़ डिटेक्ट करेगा और ये लाइन को डिसकनेक्ट करेगा। ओके, तो दोस्तों ये फॉरवर्ड बायस में तो जनरल नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, बस रिवर्स बायस में इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है। ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट करा जा सकता है। ये माइनस वीजेड, ये ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट करके जनरल डायोड इस्तेमाल में लिया जाता है। ये डोपिंग की मदद से इसको एडजस्ट करते हैं। अगर डोपिंग ज़्यादा हुआ तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होगा, अगर डोपिंग कम हुआ तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होगा। ओके, ये सिंबल है, ये दो ही सिंबल जेनाट डायोड के इस्तेमाल में आता है। दोस्तों ये जेनाट डायोड इस्तेमाल के जाए एक रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। ये पिक्चर की जैसे है तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें रेसिस्टर नहीं है। तो करंट लिमिट के लिए एक रेसिस्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिक्स्ड वोल्टेज देने के लिए बहुत ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगा, ये जेनाट डायोड खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। अगर ये रेसिस्टर है तो ही ये करंट को लिमिट करेगा और एक फिक्स्ड वोल्टेज यहाँ से देगा, ना कि यहाँ से। यह रेसिस्टर की यह एक वोल्टेज जो इनपुट आ रहा है या फिर आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड होगा ये जेनाट डायोड की वजह से। ओके, तो दोस्तों ये सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये देखो, ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई में बहुत ज़्यादा वोल्टेज 8 वोल्ट की तरह आ रहा है। तो इसमें से एक जेनाट डायोड लगा के ये डायग्राम के और अगर हम सेटअप करें, तो सेटअप करने के बाद ये देखो तो इसके आउटपुट में एक वोल्टेज आ रहा है, ये 3.7 वोल्ट का जेनाट डायोड है। तो इसके आउटपुट में 3.7 वोल्ट के आसपास ही आउटपुट होना चाहिए। इनपुट ये अगर 8 से मैं ये इस 12 वोल्ट भी कर दूँ तो भी ये आउटपुट वैसे ही आसपास आना चाहिए 3.7 वोल्ट की तरह। ये एक्यूरेट नहीं होता तो फ्लैक्चुएट करता है, तो परंतु ये सेम ही रहेगा। अगर पावर सप्लाई की वोल्टेज चेंज किया गया तो भी ये सेम ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों आप जेनाट डायोड का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो ये जेनाट डायोड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस पिक्चर में ये जेनाट डायोड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये लोड का वोल्टेज अप नहीं होने देगा। यहाँ पर ये जेनाट डायोड फीडबैक के लिए इस्तेमाल हुआ है, फीडबैक नहीं, ये कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। फीडबैक के लिए भी जेनाट डायोड इस्तेमाल होता है। यही सर्किट फीडबैक के इस्तेमाल करेंगे तो एक कांस्टेंट वोल्टेज के अप में ही ये फीडबैक देगा अपनी मास्टर को। यहाँ पर एक मास्टर है मॉस्फेट। ओके, तो मॉस्फेट के गेट में भी वोल्टेज सप्लाई के लिए जेनाट डायोड इस्तेमाल कर गए थे, क्योंकि मॉस्फेट के गेट सेंसिटिव होता है वोल्टेज बहुत ज़्यादा देने से, जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज उससे ज़्यादा देने से मॉस्फेट का गेट खराब डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए एक जेनाट डायोड इस्तेमाल किया जाता है। जो भी ये जेनाट डायोड के अनुसार अगर 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आएगा
तो ये जेनर डायोड वोल्टेज इधर से ग्राउंडेड कर देगा और ये मॉस्फेट की गेट सेफ रहेगा। ओके, तो अब तक तो हमने देखा कि जेनर डायोड का प्रोस कौन है, क्या क्या है, तो आप देखेंगे कॉन्स क्या क्या है। तो इस पिक्चर में अगर जेनर डायोड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा तो जेनर डायोड क्या करेगा कि अगर जेनर डायोड का ओवर करंट आया तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, जेनर डायोड फ्यूज़ होगा ना कि ये फ्यूज़, तो क्या होगा ये डिस्कनेक्ट होगा और इसमें वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो लोड के ऊपर असर पड़ सकता है, लोड का डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो अगर ये कनेक्ट हो जाता, शॉर्ट कर देता तो ये फ्यूज़ उड़ जाता, परंतु ये नहीं करेगा, ये कॉन्स है। ओके, और एक है ये एक्यूरेट नहीं होगा, अगर 3.7 वोल्ट का कोई जेनर डायोड है तो आउटपुट वोल्टेज में देगा 4.1 के समथिंग या फिर 3.7 से 4.1 तक। इनपुट वोल्टेज ज़्यादा रेंज में अगर है किया 10 से 24 वोल्ट तक, तो ये इन आउटपुट वोल्टेज में फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा। इसके सॉल्यूशन में TL431 है, ये वेरिएबल जेनर डायोड है, ये फ्लैक्चुएट नहीं करता, बहुत ही कम फ्लैक्चुएट करता है, ना के बराबर करता है, अगर एनालॉग डिवाइस में ये ना ही 0 के बराबर करता है, 0.1 0.01 में कर सकता है ये। तो दोस्तों TL431 का सेपरेट वीडियो आएगा, अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि कहाँ पर इंफॉर्मेशन का कमी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।